सलाम जी, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कमजोर नातवां टॉपिक पर जिसका नाम है वेट लॉस। और कमजोर नातवां इसलिए मैंने कहा कि इस बेचारे के ऊपर बड़ा बोझ है, आपकी हसरतों का बोझ है, आपकी विशेष का बोझ है, बहुत सारी वो प्रोक्रेस्टिनेशन जो कि इसके साथ आपको मिलती है तोहफे में। कल से मैं वेट लॉस का प्रोग्राम शुरू करूंगी, मैं आज से एक महीने बाद फिट होने की कोशिश करूंगी, या बस एक दफ़ा डिलीवरी से फारिग हो जाऊँ उसके बाद फिट होंगी। सो आज मैंने सोचा कि क्यों ना हम आज दी एस्थेटिक क्लिनिक में जो हमारे पास वेट लॉस कंसल्टेंट या आपके एलजे वेट लॉस स्पेशलिस्ट हैं उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रबिया। अस्सलाम वालेकुम रबिया, क्या हाल चाल? ठीक है, खैरियत से। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं कि वेट लॉस क्यों करना है वेट लूज भाई? लेकिन वेट लॉस सिर्फ खूबसूरती के लिए ज़रूरी नहीं है, ये आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, डिप्रेशन से बचने के लिए और जॉइंट पेन से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी होता है अपने हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, हेल्दी मेंटल हेल्थ के लिए, ख्वातीन अगर देखा जाए तो ऐसे कौन से उनकी लाइफ स्टेजेस होती हैं जब वो सबसे ज़्यादा वेट गेन कर लेती हैं? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी ज़्यादा वेट होता है। और अगर हार्मोनल इम्बैलेंस में ज़्यादा वेट हो जाता है, जैसे PCOS के पेशेंट्स होते हैं, थायराइड वाले पेशेंट्स का वेट ज़्यादा होता है, डायबिटीज़ वाले कुछ लोगों का जेनेटिक्स भी होता है, जेनेटिक भी बड़ा अहम रोल प्ले करती है। इन सारे लोगों को अपना वेट ऑफ करने की बहुत ज़रूरी। अच्छा, जितनी तेज़ी से हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, मशीनी लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं हम, सीढ़ियों के बजाय एस्केलेटर्स, लिफ्ट्स, पैदल चलने के बजाय गाड़ियाँ, हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है अब। हाँ, हम दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस हो गए हैं। हम लोगों को एडवाइस कर रहे होते हैं जिम जाएं, हम लोगों को एडवाइस कर रहे होते हैं पेशेंट्स को कि जी 45 मिनट्स की आप वॉक करें, इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, बिल्कुल पेशेंट्स को बताते हैं अपनी मील पोर्शन मील कर लें, अगर ज़्यादा कार्ब्स लेते हैं तो प्रोटीन की तरफ ज़्यादा आ जाएं, ताकि आपका मसल मास बढ़ सके। यानी डाइट में भी इस प्रोग्राम के लिए बहुत, यानी आप लोगों की मेडिसिन जो या इंजेक्शन या जो भी चीज़ें हैं वो इसके ऊपर ज़रूर फ़ायदा करेंगी, लेकिन इसके साथ साथ डाइट कितना अहम रोल प्ले करती है? बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करती है। ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ मेडिसिन देते हैं और वहाँ पे अगर वो बिल्कुल भी डाइट पे अगर फोकस नहीं करेंगे तो वेट उतना बढ़ता जाएगा। और वो फिर दोनों चीज़ें साथ साइमल्टेनियसली चलनी चाहिए, डाइट भी चलनी चाहिए, हमारी मेडिसिन भी साथ साथ चलेंगी तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। अच्छा, आपके कितने पेशेंट्स होते हैं जो इंटरमिटेंट फास्टिंग पर नहीं जाना चाहते या जो बर्दाश्त नहीं कर सकते? एटलीस्ट 30% पेशेंट्स इस तरह होते हैं जो कि नहीं मानते कि मैं अपने फूड पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, मेरी क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, तो फिर हम उसको दूसरी तरीके से ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास जिसको लेके हम फिर उस तरह ट्रीट करते हैं, उनकी एपिटाइट को कम कर देते हैं। हमारे पास ऐसे भी ट्रीटमेंट्स हैं। इंजेक्शन होते हैं जो लगाए जाते हैं? जी, ये बिल्कुल इंजेक्शन होते हैं, ये वर्ल्ड वाइड यूज़ किए जा रहे हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका साइड पे सेमी ग्लूटाइड के नाम से ये इंजेक्शन वो लोग ऑफर करते हैं अपने पेशेंट्स को। हमारे सेटअप में हमारे पास लीरा ग्लूटाइड है जो कि बिल्कुल नया है और वो हंगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। वो आपको फील कराता है कि आपका पेट जैसे भरा है और साथ में आपको भूख अर्ज फील नहीं होगी। एग्जैक्टली, आपको इतनी भूख नहीं लगती, आप इतना भी लेके बैठेंगे तो आप खाएंगे थोड़ा सा ही उसमें। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ ऑडियंस के, ये इंजेक्शन एंटाई ऑक्सीडेंट्स की तरह भी काम करते हैं। तो वो सारी खवातीन और हजरात जो ये समझते हैं और चाहते हैं कि हमारी भूख तो कम हो ही जाए लेकिन इसके साथ साथ हम जवान भी रहें, तो वो लोग भी इन इंजेक्शन्स को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो इंजेक्शन्स हैं वो किस तरह से दिए जाते हैं? रोज़ लगेंगे, कैसे लगेंगे, क्या होगा? कुछ इंजेक्शन्स हम रोज़ दे सकते हैं और कुछ इंजेक्शन्स ऐसे हैं जो कि डेली देंगे, लेकिन उसकी डोज स्मॉलर से स्टार्ट हो के और फिर बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे पेशेंट जिस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, पेशेंट जैसे जैसे रिस्पॉन्ड करेगा उसके हिसाब से उसको फिर इंक्रीज कर। अच्छा, तो ये फिर आपकी हंगर को सप्रेस करेगी? जी जी बिल्कुल, हंगर को भी सप्रेस करेगी और इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले पेशेंट्स को भी हम लोग ये एडवाइस कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब दी एस्थेटिक क्लिनिक में ये स्किनी ड्रिप्स भी लगाई जाती हैं, और वो स्किनी ड्रिप्स आप कैसे लगाते हैं,
क्या हर पेशेंट को एडवाइस कर दी जाती है? नहीं, हर पेशेंट को एडवाइस नहीं करी जाती। पहले जब हमारे पास पेशेंट आता है, हम उसका प्रॉपर उसकी हिस्ट्री लेते हैं। उसके बाद अगर उसके कोई और कोमॉर्ब्स नहीं है, कुछ अंडरलाइन कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हम उन पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, उनका ब्लड वर्कअप किया जाता है और ये वीकली दी जाती है हमारे। तो मैं अपनी एक स्किनी ड्रिप से कितना एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि कितना मेरा वेट लूज़ होगा? अराउंड 1 to 2 kg आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी सेफ, रियलिटी बेस्ड, या है ना, कुछ में ज्यादा भी हो जाता है। और खास तौर पर ये उन पेशेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है जिनका वेट स्टक हो जाता है। एग्जैक्टली, आप बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज ऐसे होते हैं कि जब आप कॉज को भी दुरुस्त करना चाहिए, ऑब्वियसली हम हैंड्स इन हैंड्स चल रहे होते हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी साथ में कर रहा होता है, हम अपनी भी टेस्ट साथ करा रहे होते हैं, तो यानी वो लोग जिनका उनकी हार्मोनल रीजन की वजह से स्टक हो जाता है वेट, उनके लिए भी बहुत अच्छी रहती है। प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं, किसी की आर्म्स, किसी की पॉट बेली, किसी की ब्रा बल्जेस, ये बड़े अजीब लग रहे होते हैं, तो ये और डबल चिन। जी बिल्कुल, हमारे पास इस लाइपोलिटिक इंजेक्शन्स होते हैं जो कि टारगेटेड एरियाज, जैसे ये स्टबन फैट हो गया है, डबल चिन हो गई, ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे अगर एक्सरसाइज भी करते हैं, डाइट भी करते हैं, तो इतनी जल्दी से रिड्यूस नहीं होते, अपनी शेप में नहीं आते हैं, तो इसीलिए इन्हीं के लिए हमने वो लोकलाइज्ड हमारे पास लाइपोलिटिक इंजेक्शन होते हैं, हाइफू है हमारे पास, जिससे वो फैट वहाँ का रिड्यूस हो जाता है। डॉक्टर साहब, इन सारी सपोर्ट के साथ जहाँ आप इंजेक्शन, ड्रिप्स, डाइट, इनके अलावा भी कोई चीज़ है जो साथ में चलती है? जी बिल्कुल, रेगुलर विजिट्स मैं अपने पास करवाती हूँ, और काउंसलिंग और एप्रिसिएशन प्ले अ मेजर रोल इन डाइट वेट लॉस प्रोग्राम। एग्जैक्टली, सो अगर एक मतलब फर्ज करें 30 kg का टारगेट पेशेंट का, डॉक्टर साहब, तो आप कैसे, मतलब हाउ विल यू गो अबाउट इट, 30 kg लूज करवाना पेशेंट? हाँ, 30 kg लूज करना एक बहुत बड़ी जर्नी होगी, एक तो पेशेंट के लिए, उसको खुद को भी बहुत ज़्यादा तहमुल रखना पड़ेगा, पेशेंट को भी, कोई मैजिक नहीं हो जाएगा इसमें, एक बहुत लंबी जर्नी है जिसमें टाइम लगेगा। 30 kg अगर मैं आपसे पूछूं कि जी 30 kg कितने दिन में लूज़ हो जाएगा, क्योंकि अक्सर अमूमन हम लोगों ने लोगों को ऐड दिखा दिखा के इस चीज़ का आदि कर लिया कि ओ 30 kg वेट लॉस जस्ट विद इन 2 months, it is not possible, no it's not healthy and yes. not even possible yes, kyunki aap jitna zyada aapko lag raha hota oh 2 hafte mein to maine 6 kg weight lose kar diya, वो गलत होता है, वो बिल्कुल आपका बॉडी का वॉल्यूम लॉस हो रहा होता है, डिहाइड्रेटेड हो रहे होते हैं आप, सनकिन हो रहे होते हैं, तो आपको आपको लगता है ओ मैंने तो बहुत ज़्यादा वेट लूज़ कर दिया। हेल्दी वेट लॉस ही करना चाहिए, इससे आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, आपके हेयर्स भी अच्छे रहेंगे और आपकी स्किन सैग भी नहीं करती। सैग पॉइंट है, बॉडी रेजिस्ट कर जाती है एक ही चीज़ पर आकर करके ना, तो फिर वो डाइट भी कभी जो आप कर रहे हैं एहतियात, वो भी आप पे असर नहीं करती, वही इंजेक्शन, वही ड्रिप्स, वही रूटीन आप पे असर नहीं करता, तो इसलिए बॉडी को शॉक देना जी बहुत ज़रूरी है। उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं डाइट के साथ, एक्सरसाइजेस के साथ, फिर वो वापस से बॉडी दोबारा से वेट लूज करना स्टार्ट। और क्या कभी ऐसा भी होता है कि डॉक्टर साहिबा आप 8 kg यूज करवा के पेशेंट को बोलती हैं अभी इसी को मेंटेन करो तुम 1 महीने के लिए 1.5 महीने के लिए, फिर इसके बाद हम मजीद लूज करें? जी हम 1 month के लिए भी रेस्ट दे सकते हैं ताकि उसकी बॉडी के न्यूट्रिशंस वगैरह वापस से रिकवर हो जाएं और वो उसको हेल्प करें फिर आगे वेट लॉस करने में। उससे एक फायदा आपका ये भी होता है कि आपके बाल नहीं जाते हैं, आपकी स्किन खराब नहीं होती, आपके एब्डोमिनल फैट, आपका ब्रेस्ट फैट लूज नहीं होता, सैगीनेस नहीं आती, जिससे आप वरना अदरवाइज एकदम से अगर आप वेट लूज करते हैं तो वो बहुत उसके बाद मुश्किल हो जाता है। फिर लोग हमारे पास आते हैं ये भी फिलर कर दें, ये जी यहाँ ये कर दें, ये हो गया और एकदम से एजिंग आ गई, ये भी तो बड़ा फैक्टर होता है। इसलिए इंटेलिजेंट वेट लॉस जो है ना वो प्लान आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है, बनिस्बत ये कि आप अपनी हेल्थ को रिस्क में डालें और फिर उसके बाद मसले मसाइल और ज़्यादा आपके लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, लोग ये भी कहते हैं कि भाई अगर 30 kg इतना सारा वेट लूज़ करना है या इससे ज़्यादा,
तो हम लाइपोसक्शन करा लें, ऑपरेशन करा लें, इसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस हैं। और हमारी जो खवातीन है उनका जो लाइफस्टाइल है इतना हेक्टिक है कि वो अपनी केयर नहीं कर सकती उसके बाद, जो उसके बाद रिक्वायर्ड है। एग्जैक्टली, वो सब वो नहीं कर सकती, खास किस्म की गारमेंट पहनना, तो वो काफी पेनफुल प्रोसीजर है वो काफी, और उसमें फिर ब्रूजिंग और ये सब भी होता है, और वो फिर खवातीन के लिए उसको कोप अप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये ऐसी चीजें हैं कि जिसमें एकदम से आपका फैट लूज भी नहीं होता, विद टाइम ग्रेजुअली एंड स्लोली जाता है, तो वो आपकी स्किन को इतना सैग नहीं करता, और इवन लाइपोसक्शन में जो है सैगिनेस के ज्यादा चांसेस है वहाँ, क्योंकि फैट ज़्यादा निकलता है, और अगर वो और ही ज़्यादा निकाल दें तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और फिर एडमिशन हमारे यहाँ खातून, जिस तरह आप कह रही हैं कि लाइफ स्टाइल हमारे यहाँ का ऐसा है कि हम इतने डिवोटेड अपने लिए नहीं हो सकते, तो हम यहाँ आके एक डेढ़ दो घंटे की सिटिंग तो जरूर करा सकते हैं, मतलब हॉस्पिटल एडमिशन और फिर घर जाके लेटना और प्रॉपर उस तरह से रेस्ट करना, वो बहुत हमारी तरह की ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आई एम श्योर आपको आज के इस इंटरैक्टिव वेट लॉस सेशन पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझ में आई होंगी, जो क्वेरीज अभी भी आपके दिमाग में है वो आप हमसे हमारे YouTube यानी डी एस्थेटिक की YouTube चैनल पर पूछ सकते हैं, हम ट्राई करेंगे कि आपको जवाब दे सके या एटलीस्ट एक और सेशन रखा जा सके जो कि आपके सवाल के मुताबिक हो।